फीलिंग सैड फॉर एसजी। हाँ रे, एसजी के लिए बुरा लगा काफी। और टू बी ऑनेस्ट, अब तक जितनी भी टीम बाहर गई है ना, तो एसजी उसमें से सबसे ज्यादा जो थी जिसे क्वालिफाई करना चाहिए था, मतलब विनर है थे पिछले इवेंट में, इसलिए बोल रहा हूँ विनर थे, उन्हें इस इवेंट में क्वालिफाई करना ही चाहिए था, ये सीन है समझ रहे हो। लेकिन शॉकिंग तो बहुत सारे टीम्स थे जो नहीं हो पाई, और बुरा लग रहा है। जैसे गॉड लाइक होगी, TX होगी आज में, और आज 8 भी, जूसी भी लाइनअप मतलब नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। अब तो BGS पास है, तो उसके लिए प्रिपरेशन का मौका मिल गया। कहीं ये स्ट्रेटेजी तो नहीं भाई इन सब की, रावण भाई ये जो जितने भी टॉप टीम नहीं हुई, इनकी कहीं स्ट्रेटेजी तो नहीं चल रही कि अगले BGS में प्रैक्टिस अभी से करते हैं, अगला सीधा जीतते हैं। जब मिलता हूँ ना किसी बंदे से तो दोस्ती और मतलब अच्छी हो जाती है, थोड़ा और बुरा लगा। चलो भाई, ओमेगा भी आ गया है। ओमेगा कुछ बोले स्पैम करने को मत करना। टिप्स दे रहा है या नहीं ये बता भाई, तुम्हें क्या टिप्स दूँ। हाँ, मैं ओमेगा यही टिप दूंगा कि भाई थोड़ा कम अग्रेसिव खेलो हमारी जैसे टीम कैम करके नहीं आ पाती ऊपर, तुम किल्स निकाल के ले आते हो, गलत बात है। पोजिशन पॉइंट की भी कुछ वैल्यू रखो भाई। ब्रो भाई, T1 टीम्स आर स्ट्रगलिंग। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था, और इसे मैं मतलब एक जो मुझे लगता है, और मुझे लगता है यही रीज़न होना चाहिए। देखो बताऊँ क्या सीन होता है, जब स्क्रिम्स होते हैं ना, जब स्क्रिम्स होते हैं, जब कोई कस्टम होता है, तो टीम्स में उसमें ना सीरियसली नहीं खेलती, मजे में खेलती है। कोई आता नहीं है किसी की टीम का कोई, कि जो बाकी के टीम्स है ना जितने भी जो क्वालिफाई नहीं हो पाई, जो मुझे लगता है कि जो T1 टीम स्ट्रगल कर रही है, देखो डेडिकेशन, मैं बोलूँगा डेडिकेशन कहीं ना कहीं कम थी। जिन टीम की डेडिकेशन थी, जिन्हें प्रूव करना था, उन टीम ने करा। फॉर एग्जाम्पल ओमेगा को ले लो, ओमेगा पिछली बार नहीं कर पाया तो उसे वो चोट लग चुकी थी, समझ लो उसे उस चीज़ का पता था, तो उसके अंदर डेडिकेशन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थी कि भाई इस बार कैसे भी करके करना है और जीतना है। ठीक है, हमारे ले लो, हम पिछली बार #3 से मतलब #1 से #3 आ गए, हमने चोक कर दिया, और हमारे अंदर भी था कि भाई इस बार ये सब चीज़ें नहीं करनी है, इस बार इन चीज़ों पर ध्यान देना है। हाँ, OR हुई है। ठीक है, अब देखो OR क्या था, उनने अब तक एज अ टीम कुछ प्लेयर नए आए, आतंकीबाजी नए आए आई गेस, और ये RO नया है, तो ये सब बंदे जो होते हैं ना भूख रहती है अंदर, समझ लो, क्योंकि जिसने कुछ जीता नहीं रहता, किसने कुछ करा नहीं रहता ना, उसमें भूख रहती है कि भाई हमें करना है और जीतना है, और वही डेडिकेशन है। तो मुझे लगता है ना जो इस बार टीम नहीं हो पाई, वो कहीं ना कहीं डेडिकेशन की कमी थी साफ साफ, और डेडिकेशन ना होने के कारण उतना सीरियस नहीं लिया, और उतना मतलब समझ लो उतना मतलब था नहीं डेडिकेशन जो मुझे दिखा। मैं इसके अलावा कुछ जानबूझ के ऐसा सोच समझ के बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा ना बोल दूँ जैसे आप लोगों की फीलिंग ऐसा हर्ट हो जाए, ताकि डेडिकेशन की कमी थी। स्क्रिम्स में प्रैक्टिस ऐसा मज़े में खेलते थे, कुछ ऐसा सीरियस नहीं, और कोई किसी किसी टीम का तो चारों बंदे नहीं आते थे, चार फुल स्क्वाड के साथ प्रैक्टिस नहीं होती थी, फन में खेलते थे, पार्टिसिपेट पूरा नहीं, टाइम पे आना टाइम पे नहीं, और जो लगातार टूर्नामेंट होते थे उसमें लगातार ना खेलना, कोई एक पूरा टूर्नामेंट मिस कर देना या फिर एक टूर्नामेंट में नहीं रहना, समझ लो इस सब के चक्कर में ना कहीं प्रैक्टिस की कमी हुई। और जितने भी टीम क्वालिफाई कर रही है, या अंडरडॉग्स ले लो, या जो नए बंदे हैं, या जो स्टार्टिंग से खेलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ नहीं करी, उन्होंने ये चीज़ बहुत सीरियसली ली। हमने भी मतलब ऐसा नहीं कि सारे टूर्नामेंट सीरियस खेले, लेकिन कुछ कुछ खेले जो हमें सीरियस मतलब हमें लगा कि इसमें कुछ हो सकता है, समझ रहे हो। तो वो सीरियसनेस और जो डेडिकेशन थी वो कमी रहने के कारण बहुत सारे टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, जो इस बार टीम में क्वालिफाई नहीं कर पाई है ना, वो अगली बार उनके जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, मैं हर किसी टीम के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टीम है, क्योंकि बहुत प्रेशर होगा, बहुत बुरा लग रहा होगा, और समझ रहे हो ये चोट जो है ना ये बहुत गंदी लगी है। जो गॉड लाइक के साथ जोन का इशू हुआ, बस देखो मैं कुछ इस टॉपिक पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं बता रहा हूँ सबके लिए सिचुएशन सेम है। जोन किसी का या कुछ भी गेम किसी का कुछ ऐसा नहीं है कि भाई गेम किसी का दोस्त है या कुछ, कि इसको फेवर करेगा इसको नहीं, हमें भी फेवर नहीं करा था, और मैं इस चीज़ को लेकर मैंने ये नहीं बोला यार जोन हमें फेवर नहीं करा था, उसके लिए सोचना पड़ेगा जोन कैसे भी बने हमें कैसे जाना है, अप्रोच कैसे रहनी चाहिए, समझ लो। तो कहीं ना कहीं वो जोन गेम हर किसी के लिए सेम है, हर किसी के लिए जो भी लॉबी में खेल रहा है ना, 16 के 16 टीम, किसी में चलो जोन नहीं बन रहा, किसी में कुछ दिक्कत आ रही है, किसी में कुछ, भाई गेम उस 16 बंदों के लिए 16 टीम के लिए सेम है, समझ रहे हो। तो आई गेस इस पे बोलना कि जोन नहीं बना या वो नहीं बना, आई डोंट थिंक गॉड लाइक किसी ने प्लेयर ने बोला होगा ये जोन नहीं बना, आपने ऐसा बोला होगा मुझे, मतलब ऐसे बोल रहे हो कि जोन नहीं बना, तो मैं आप ही को बोल रहा हूँ, ये आंसर आप ही को दे रहा हूँ, बाकी गॉड लाइक किसी बंदे को नहीं दे रहा भाई, ऐसा मत सोचना। बस यही है कि भाई ऐसे बोलने की बात है, जितने भी 16 टीम खेल रही थी ना, सबने ट्राई करा है, सबने खेला है, और सबके लिए फेयर चांस था भाई। हमारे लिए
क्या बोलते हैं, लूट 1x थी और सोल के लिए लूट 3x थी, इसलिए वो फर्स्ट आ गई। ऐसा कुछ सीन नहीं था, सबके लिए लूट बराबर थी, सबके लिए जोन मेटा बराबर था, सबके लिए जोन श्रिंकिन बराबर।